सारे चिल्लर जो हैं ये रहे हैं यहाँ के पैसे। तो फिलहाल हमें कल प्रॉब्लम हो रही थी इनको गिनने में, टैक्सी वाले को देने में कि कौन सा क्या है। तो ये मैं रईस को दे देता हूँ, रईस जो आज की स्टडी कंप्लीट कर लेगा कि कौन कौन से कॉइन कितने वैल्यू के हैं, ताकि टैक्सी वाले को देने में प्रॉब्लम ना हो। रईस अभी भी बेड पे से उठने का नाम नहीं ले रहा है, और ये सारे चिल्लर जो हैं ये रहे हैं यहाँ के पैसे। तो फिलहाल हमें कल प्रॉब्लम हो रही थी इनको गिनने में, टैक्सी वाले को देने में कि कौन सा क्या है। तो ये मैं रईस को दे देता हूँ, रईस जो आज की स्टडी कंप्लीट कर लेगा कि कौन कौन से कॉइन कितने वैल्यू के हैं, ताकि टैक्सी वाले को देने में प्रॉब्लम ना हो। बाकी रूम की हालत आप देख सकते हैं कि क्या हो रही है। क्लीनिंग के लिए वो सुबह ही आ गए थे, लेकिन मैंने मना कर दिया था क्योंकि हम सब सो रहे थे। तो अभी हम जो कल है सामान लेकर आए थे नाश्ते का, वो सारा सामान जो है मैं आपको दिखाता हूँ। और मेरी फेवरेट चीज़ ये है लस्सी यहाँ की लबन। तो ये सारी चीज़ें हमने ली थी, बाकी रात का खाना जो बचा हुआ है वो फ्रिज में रखा हुआ है। अब ब्रेकफास्ट बनाते हैं और बाहर निकलते हैं। तो फिलहाल हमारा इरादा है पुरानी दुबई में जो मार्केट है वहाँ पर जाने का, और मेन चीज़ जो आज हमें करनी है वो ख़रीदना है हमें एक आईफोन। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो आईफोन शॉपिंग का होना है। तो देखते हैं आईफोन 14 यहाँ पर क्या रेट चल रहा है, और बाकी सेकेंड हैंड आईफोन और कुछ आईमैक वगैरह भी हमें देखने हैं, मैकबुक भी देखनी है। तो सारी चीज़ आपको दिखाते हैं। फिलहाल जो बाज़ार है मीना बाज़ार कहलाता है वो, जहाँ पे सारे आईफोन्स वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ पे चलते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या प्राइसिंग है और कुछ ना कुछ तो खरीद लेंगे आज। बस हम निकल रहे हैं ना आधे घंटे में, नाश्ता करके आप उसके बाद क्लीनिंग कर देना, कोई दिक्कत नहीं। सो गाइज, अब यहाँ पे जो किचन है इसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कप्स वगैरह ग्लास वगैरह सब कुछ है। तो हमारा काम हो जाएगा ब्रेकफास्ट का। और ये वाला सेक्शन हमने चेक नहीं करा था, ये सेक्शन चेक करा है। अब यहाँ पे माइक्रोवेव भी है, टोस्टर भी है, और आपकी केटल भी है। तो फिलहाल मैं गर्म पानी करने वाला हूँ। ये बॉटल यहाँ से एक मिलती है, बाकी हम सुपर मार्केट से बॉटल्स ले लेंगे क्योंकि होटल से महंगी मिलती है, और रोज़ एक ही बॉटल फ्री देते हैं, बाकी पेड है सब कुछ, और ये सारा सामान भी मिल जाता है। तो फिलहाल तो मैं पानी गर्म करने वाला हूँ, सुबह सुबह गर्म पानी पीना चाहिए एक गिलास, और उसके बाद फिर जो है ब्रेकफास्ट करते हैं। ठीक है, लेमन नहीं है, खाली गर्म पानी, हनी भी नहीं है यहाँ पे, खाली गर्म पानी से काम चलाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये रिंग देखिए आप, ये कम से ये एक रिंग है, होगी 30-40 किलो की कम से कम, ये आप देखें। और ये काफ़ी फेमस है, यहाँ पर लोग सब फोटोज़ वगैरह लेते हैं। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे ये पूरी मिक्स मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप भी हैं और ज्वेलरी की भी हैं, और आपके कपड़े वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ से 200 मीटर है, हमने सामने से फेरी ली थी, फेरी क्या वो बोट राइड की थी एक दिरहम की, जो कि हमें डेरा से बुरदुबई लेकर आई है। और यहाँ पे जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स का वो शोरूम है, और सामने रईस और शारिक भाई चल रहे हैं, नेविगेशन लगाई हुई है क्योंकि रास्ते इतने याद नहीं रहते, पहले भी आए हैं। तो देखते हैं आईफोन क्या रहता है प्राइसिंग आईफोन वगैरह की, कुछ सेकेंड हैंड भी ट्राई करते हैं।
ये आप देखिए, जैसे पुराने जमाने में बना हुआ था ना फोन्स के, ये वही बने हुए हैं। अब तो काफ़ी खैर गंदा पड़ा है, लेकिन ये ऐसे ही छोड़ा हुआ है ताकि पुराना दुबई कैसा था वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए। फिलहाल मैं हूँ Zamzam इलेक्ट्रॉनिक्स पर और मैंने यहाँ पे आईफोन वगैरह ट्राई करे हैं। अब जो रेट्स की बात है, पुराने और नए आईफोन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मुश्किल से 5-10 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ रहा है सारे ही मॉडल्स के अंदर। और अगर मैं ऑनलाइन रेट देख रहा हूँ नए फ़ोन के, तो आईफोन 14 प्रो जो मिल रहा है 128 GB, वो मिल रहा है 3690 दिरहम का नून पर। आप यहाँ ऑनलाइन मंगा सकते हैं UAE में। और इनके यहाँ मिल रहा है 3720 दिरहम का, मतलब 50-60 दिरहम यहाँ पे फालतू ही मिल रहे हैं। तो मुझे तो कोई डील अच्छी यहाँ पे लग नहीं रही है Zamzam इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर के जो मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा हो। तो यूज मैकबुक्स देखता हूँ वो कितने की मिल रही है। आईफोन के मामले में मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन नून से मंगाएं, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिख रहा है। बाकी मैकबुक ट्राई कर लेते हैं। गाइस फिलहाल हम खड़े हैं यहाँ Zamzam इलेक्ट्रॉनिक्स के बाहर, और जो हमने यहाँ पर रेट्स ट्राई करें, जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया, रेट्स में कोई फ़र्क नहीं है। इससे बेहतर जो है noon.com से आप परचेज़ कर सकते हैं। मैंने पहले वीडियो बनाई थी, ये जो मैंने अपना आईफोन ख़रीदा था वो भी नून से ख़रीदा था, वहाँ पे सस्ता है, ये आपको महंगा दे रहे हैं। यहाँ पे लगभग जितने आईफोन के मॉडल्स हमने ट्राई करे हैं कोई डिफरेंस नहीं है, ऑनलाइन के कंपैरिजन महंगा है। तो अगर आप टूरिस्ट भी हैं आएँ तो आप noon.com से ऑर्डर कर दें, आपके होटल पर डिलीवर हो जाएगा। अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसकी वीडियो का लिंक मैं ऊपर डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम कुछ और शॉप्स पर जा रहे हैं, वो ट्राई करते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि यहाँ शॉप पर जो प्राइसिंग है वो ऑनलाइन की कंपैरिजन में बेहतर मिल पाएगी, ऑनलाइन की प्राइसिंग ज़्यादा बढ़िया है। गाइस यहाँ पर हम क्रीक साइड पर हैं और ये एंटीक्स की शॉप है, यहाँ पे सारी एंटीक चीज़ें हैं। और ये आप देखिए छोटा सा बड़ा भी है चिराग अलादीन वाला, और इसे घिसने पे रईस निकलता है इसके अंदर से, हैं रईस। सारी एंटीक चीज़ें हैं यहाँ पर, और ये रईस के शूज़ अलादीन वाले, सारी पुरानी चीज़ें हैं एंटीक। यहाँ पे आपको एक चीज़ मिल जाएगी पुरानी। तो चलिए मैं आपको जो है यहाँ अंदर बाज़ार में लेके चलता हूँ और देखते हैं क्या राइस। शायद रईस को अपने बेडरूम के लिए कालीन पसंद आ गया है। रईस भैया, बेडरूम के लिए कालीन पसंद आ गया? नहीं, जानमाज। तो जानमाज पसंद आई है, अच्छा है ये प्रेयर मैट, ले सकते हो आप। सबसे बड़ी मार्केट कारपेट्स की है फुजैरा में, कई किलोमीटर बड़ी मार्केट है। आओ राइस, तो चलिए आगे चलते हैं और इस मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। और फिलहाल हम जाने वाले हैं रेस्टोरेंट जो कि क्रीक साइड पर है, वहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको तरह तरह की स्पाइसेस वगैरह मिल जाएंगी। हमने यहाँ से अभी रास्ते में से एक आई पॉइंट करके शॉप थी, वहाँ से दो मैकबुक एयर 13 इंच जो हैं हमने लिए हैं, और ये है 8 GB एंड 128 GB। जो हमें इसका प्राइस पड़ा है ना वो हमने दिए हैं उसको 1000 दिरहम, दो लिए हैं 2000 दिरहम दिए हैं, तो उसने प्राइसिंग काफ़ी कम कर दी थी। तो 1000 दिरहम में यह मैकबुक एयर 13 इंच 2017 मॉडल है,
और स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दी है, 8 GB है, 128 GB स्टोरेज है, तो काफ़ी अच्छी डील मिल गई यहाँ पे। चला के चेक किया हमने, सब कुछ था, और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो हम एक महीने के अंदर अंदर चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ये तो अब हम इंडिया चले ही जाएंगे, लेकिन एक अच्छी डील मिल गई है हमें यहाँ पर। तो रूम पर पहुँच कर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने आईफोन तो ट्राई किया है, वो तो नहीं मिला था, लेकिन मैकबुक और आईपैड्स वगैरह जो लिए हैं वो रूम पे पहुँच के डिटेल में मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली रूम पर, और जो सामान हमने लिया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप ये देखिए, ये एक तो हमने मैकबुक एयर 13 इंच ये वाली है जो हमने ली है, एक यही सेम है मैकबुक एयर 13 इंच ये हमने ली है यहाँ पर। और इनके जो प्राइस हैं ये हमें मिली हैं, 2017 मॉडल है, और स्पेसिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताई थी, 8 GB इसकी रैम है और इसकी 128 GB जो है इसकी स्टोरेज है, यहाँ पर मेंशन भी है 128 SSD है इसके अंदर। ये हमें पड़ी है 1000 दिरहम की, यानी लगभग 23,000 रुपये, 23,000 की है। और ये आईपैड लिए हैं, ये काफ़ी सस्ते हैं, सिर्फ 150 दिरहम का है ये हमें मिला है, तो लगभग 3200 रुपये के आसपास बैठ गए ना, 3200 रुपये के आसपास ये है। और आईफोन वगैरह हमने ट्राई करे वो सब काफ़ी कॉस्टली हैं, तो आप आईफोन अगर दुबई से ख़रीदना चाहते हैं तो आपको noon.com से सस्ते मिल जाएंगे, मैंने भी वहीं से ख़रीदा था, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप उसे चेकआउट करिएगा। और बाकी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो लाइक का बटन ज़ोर से दबा दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले और काफ़ी दिन हम दुबई में ही हैं, तो आगे आपको दिखाएंगे और कहाँ कहाँ आप अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अच्छे घूम सकते हैं, और बजट में कहाँ अच्छा खाना खा सकते हैं, और बजट में किस होटल में रह सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।